जनक के सामने आया उसके माता और पिता का सच। अर्षी को दृष्टि ने मारे ताने। जी हाँ, स्टारप्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो जनक के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जहाँ जनक चली गई है और जनक के कमबैक किया है नूतन ने। नूतन के आने के बाद सबकी जिंदगियां बदल सी गई हैं। जहाँ पर अर्षी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन अर्षी की एनर्जी थोड़ी लो होती नजर आती है। वहीं सृष्टि अर्षी को डांटते हुए नजर आती है, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची है, क्या कर रही हो तुम। वहीं सृष्टि को अर्षी कहती नजर आती है, मॉम आपको क्या हो गया, जब से आप नूतन से मिल के आए हैं तब से आप एकदम बदली बदली सी क्यों नजर आ रही है। वहीं सृष्टि कहती नजर आती है, मैंने जो भी किया है उस चीज़ के लिए मुझे हमेशा ही गलत समझा जाएगा, मुझे कोई कभी कुछ समझ ही नहीं सकता है। यहाँ पर अर्षी भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ जनक और कुलभूषण एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम लोग ये सब ड्रामा आखिर कर क्यों रहे हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। वहीं कुलभूषण कहते नजर आते हैं कि नहीं, मुझे उर्वशी को इंसाफ दिलाना है, तुम्हारी माँ को इंसाफ दिलाना। यहाँ पर जनक भी ये सारी चीज़ें सुनकर रुक जाती है। वहीं आपको ये भी बता दूँ तो जनक के सामने आ जाता है उसकी माता और पिता का सच। जनक को पता चल जाता है कि जनक उर्वशी रैना की नहीं बल्कि सृष्टि और कुलभूषण की बेटी है और अर्षी उसकी सगी बहन है। लेकिन यहाँ पर जनक ये चीज़ मानने से इनकार कर देती है, कह देती है मुझे जन्म चाहे किसी ने भी दिया हो लेकिन मुझे पाला पोषा उर्वशी रैना नहीं है। मैं जब भी माँ शब्द सुनती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी याद आती है, तो मेरी नज़र में मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ वही। फिल्म देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब अर्षी को ये सच पता चलता है कि जनक उसकी सगी बहन है और उसके जो पिता है वो असली पिता नहीं है। फिल्म देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, आप सभी का क्या है कहना है ये पूरी अपडेट पर हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।